सो हेलो दोस्तों, ओबी 46 अपडेट के बाद जैसे ही आप लोग अपना गेम अपडेट करके लॉगिन करोगे तो आप लोग को ग्लूनोवा स्पेशल इंटरफेस से काफ़ी सारे फ्री के रिवार्ड्स एंड इवेंट्स देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में आप लोग को ग्लूनोवा इवेंट कैलेंडर फ्री के रिवार्ड्स एंड इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्या कुछ आप लोग को फ्री के रिवार्ड्स ग्लूनोवा इवेंट से देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं टू नाइट अपडेट के, यानी कि आज 12 बजे बाद आने वाले न्यू इवेंट के बारे में। इसके अलावा गाइस मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ओल्ड ईयरबल रिटर्न के बारे में, कब कौन सा ईयरबल आप लोग को रिटर्न में दिया जाएगा, और बात करने वाले आप लोग इंडिया सर्वर पर आने वाले और भी काफी सारे नए अपकमिंग इवेंट्स अपडेट ओबी 46 से रिलेटेड काफी सारे नए चेंजेस एंड आप लोग के कुछ लाइक एंड इंपॉर्टेंट कमेंट्स के जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस पे किए थे। तो वीडियो बहुत ज्यादा कमाल के एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर से देखते रहना। पर गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमेशा एक तरह वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, इसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिया तो बिना किसी देरी के बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हो मेरी आईडी में 3000 से भी ज्यादा डायमंड है, और ये तो कुछ भी नहीं, बहुत सारे डायमंड में एक सीक्रेट ट्रिक का यूज करके बिल्कुल ही फ्री में लेता हूँ, आप लोग भी ले सकते हो। क्योंकि यार ये देखो ना, इस वाले एप्लीकेशन से मैंने टोटल 52,000 तक की अर्निंग की, अभी भी मेरे वॉलेट में 26,300 रुपए पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ पैसों का यहाँ पे मैंने अपनी आईडी में डायमंड परचेज कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डेली का मैं यहाँ पे कितना सारा पैसा अर्न कर रहा हूँ। अब कुछ लोग ट्राई किए बिना इसे फेक बोलने लग जाते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बचे हुए पैसों को मैं यहाँ डेली अपने बैंक अकाउंट या यूपीआई में विड्रॉ कर सकता हूँ। 1500 रुपए की डेली लिमिट दी गई है, और TDS वगैरह टैक्स वगैरह काटने के बाद आप लोग यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हो, डेली के मुझे यहाँ पे 1425 रुपए इस वाले एप्लीकेशन की तरफ से रिसीव हो रहे हैं। और कभी कभार मेरा मन करता है गेम से कुछ रिवार्ड्स निकालने के लिए, तो मैं इस वाले एप्लीकेशन का यूज करके डायरेक्ट इससे टॉपअप कर लेता हूँ, या फिर गूगल प्ले रिडीम कोड बना के गेम से टॉपअप कर लेता हूँ। अभी भी मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर ये एप्लीकेशन 550 का 2x 1100 रुपए दे रहे हैं। इसके अलावा मेरी तरह अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स को रेफर करके पर रेफरल 50 रुपए अर्न कर सकते हो। तो दो गुना अर्निंग करने के लिए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी हुई लिंक से डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग कोई भी ऐसे नए मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है जिससे विंडो पे कभी भी साइन अप नहीं किया हो। तो सिंपली आप लोग को साइन इन करने के बाद काफी सारा बोनस मिल जाएगा, इन बोनस से आप लोगों को कोई भी एक गेम खेल लेना है तो आप लोग को 550 का 2x 1100 मिल जाएगा। इन पैसों से गेम खेलकर आप लोग विनिंग अकाउंट में चेंज करके बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। साथ ही में आप लोग यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे आप लोग अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप या कहीं पे भी शेयर करके अपने लिंक से इंस्टॉल करवाकर पर रेफरल 100 रुपए तक कर सकते हो। तो फटाफट से डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। सो हम इसी तरह बात करेंगे सबसे पहले टू नाइट अपडेट के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो आज है महीने का लास्ट डे, तो कल हमारे इंडिया सुपर न्यू मंथ के साथ ही न्यू वेबास देखने के लिए मिलने वाला, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी दिखा दिया था। काफी कमाल का इस बार आप लोग का वेबास डिजाइन किया गया, जो कि आप लोग को समुद्री लुटेरे यानी कि पायरेट थीम पर देखने के लिए मिल जाते हैं। काफी यूनिक आप लोग को बंडल्स एंड रिवार्ड्स देखने के लिए मिलने वाला है, जिसका मैं रिव्यू आप लोग को पहले के काफी सारे वीडियोज में भी करा के बता चुका हूँ। तो ये जो वेबास है कल आप लोग हमारे इंडिया सफर यानी कि आज 12 बजे बाद देखने के लिए मिल जाएगा, काफी बढ़िया बुया पास होने वाला है। साथ ही दोस्तों जैसे आप लोगों को बुया पास दिया जाएगा तो हमारे इंडिया सफर बुया पास स्पेशल एक टोकन वाली इवेंट भी देखने के लिए मिलने वाला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आप लोग अपने ओल्ड बुया पास फ्रेगमेंट का यूज करके यहाँ से बुया पास को एक्सचेंज कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे स्पिन करके आप लोग बुया पास कलेक्ट कर सकते हो, टोकन कलेक्ट करके यहाँ पे बुया पास एक्सचेंज कर सकते हो। तो आज के आप लोग के लिए टू नाइट अपडेट होने वाले जो कि मैंने आप लोग यहाँ पे बता दिए। बाकी दोस्तों गेम में आप लोग को बहुत जल्द दो नए पोस्टर देखने के लिए मिलेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पहला आप लोग को यहाँ पे सुपर हीरोज रिंग इवेंट एक्सपायर होने वाला है, दूसरा आप लोगों हमारे ओबी 46 स्पेशल कैली एपिसोड के लिए न्यू पोस्टर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप लोग के कैली एपिसोड को अपलोड किया जाएगा। तो ये भी कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही थी, सो मैंने आप लोग को बता दी। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी कि आप लोग के ओल्ड ईयरबल रिटर्न के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का स्कॉर्पियो बंडल रिटर्न में आना स्टार्ट हो चुके हैं, एक नहीं बल्कि काफी सारे सर्वर पर डे बाय डे रिटर्न में दिया जा रहा है। अभी थाईलैंड सर्वर भी 1-2 दिन में रिटर्न में आने वाला है, और एक सर्वर पर यहाँ पे भी रिटर्न में आ चुका है, पहले भी 1-2 सर्वर पर रिटर्न में देखने के लिए मिला है। इसका मतलब दोस्तों समझ रहे हो बहुत जल्द हमारे इंडिया सर्वर पे आप लोग को स्कॉर्पियो बंडल रिटर्न में दिया जाएगा, क्योंकि ओबी 46 अपडेट के बाद हो सकता है कोई ईयू बंडल देखने के लिए मिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो भाई आप लोग को ओल्ड ईयू बंडल भी रिटर्न में दिया जाएगा, और 100% दिवाली इवेंट तक आप लोग हमारे इंडिया सर्वर पर कोई ना कोई एक ईयू बंडल रिटर्न में दिया जाएगा। और काफी ज्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही है कि ओबी 46 अपडेट के बाद हमारे इंडिया सर्वर पे आप लोग को कुछ इस टाइप से फिडर वेरियंट में स्कॉर्पियो बंडल रिटर्न में देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से हमारे इंडिया सब पर स्कॉर्पियो बंडल को रिटर्न में नहीं दिया गया। तो इस बार काफी ज्यादा चांसेस बन रहे कि दिवाली स्पेशल या आप लोग को ओबी 46 अपडेट के बाद स्कॉर्पियो बंडल फेडरल विलियन में रिटर्न में देखने के लिए मिलने वाला है। तो अभी आप लोगों के स्कॉर्पियो बंडल को रिटर्न को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पे लीक निकल कर आ रही थी, सो मैंने आज आप लोग को बता दिया है। बाकी अगर आप लोग के स्कॉर्पियो ईयू बंडल या अदर किसी भी ईयू बंडल रिटर्न को लेकर कोई भी कंफर्मेशन अपडेट आती है, ऑफिशियली बैनर गेम की फाइल्स में एड किया जाता है, तो आने वाली वीडियोज में आप लोग को कंफर्म कर दूंगा कब कौन से आप लोग को कौन सा ईयू बंडल रिटर्न में दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब मैं आप लोग को
एक ऐसे अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने टीममेट या किसी भी एनिमी को एक्सपेक्ट करते हो तो एक से ज्यादा बार लाइक कर पाओगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो OP46 अपडेट के बाद आप लोग के एक्सपेक्ट इंटरफेस में एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि अभी के टाइम पे हम लोग किसी भी फ्रेंड या एनिमीज को एक्सपेक्ट करते हो तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, लेकिन OP46 अपडेट के बाद पहले आप लोग के यहाँ पे लाइक का बटन देखने के लिए मिलेगा, फिर एड फ्रेंड का, फिर रिपोर्ट का बटन देखने के लिए मिलेगा, साथ ही आप लोग को न्यू मल्टी लाइक्स का भी यहाँ पे एडजस्टमेंट या आप फीचर देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप लोग जैसे किसी टीममेट या एनिमी को लाइक करते हो तो आप लोग यहाँ पे कूलडाउन टाइम स्टार्ट हो जाता है। अभी के टाइम पे आप लोग फटाफट अपने टीममेट्स को लाइक कर देते हो, लेकिन OP46 अपडेट के बाद जब भी आप लोग अपने टीममेट को लाइक करोगे तो यहाँ पे कूलडाउन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कूलडाउन टाइम खत्म होगा उसके बाद ही आप लोग किसी दूसरे टीममेट या किसी भी दूसरे फ्रेंड को लाइक कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों OP46 के अपडेट में आप लोग के यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि मल्टी लाइक्स का, जिससे आप लोग अगर ट्रिपल किल करते हो, फर्स्ट किल या क्वार्टेट किल करते हैं तो आपको आपका जो भी टीममेट एक्सपेक्ट कर रहा होगा वो आपको एक से ज्यादा बार लाइक कर पाएगा। पहले तो हम लोग सिर्फ एक लाइक के लिए मरते थे, कभी कोई लाइक नहीं करता था तो उससे लड़ाई कर देते थे, फटाफट लाइक से कर दे, लेकिन भाई OP46 अपडेट के बाद अब आप लोग काफी सारे लाइक कर पाओगे। और आप लोग को तो पता ही है कि आजकल पैसों से भी लाइक खरीदी जा रही है, फ्री फायर में क्या कुछ चल रहा है, और भाई जिसके पास ज्यादा लाइक होते आप लोग को बोलता है प्रो बनता है, तो भाई आप समझ जाया करो कि उसने पैसों से खरीदी है, क्योंकि आजकल तो फ्री फायर में भाई सब कुछ काम पैसों से होता है। खैर जो भी हो, मुझे सिर्फ ये बताना था OP46 के बाद स्पेक्ट इंटरफेस में एडजस्टमेंट किया गया है, बाकी लाइक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक के बड़े शौकीन हो या फिर लाइक करवाना ज्यादा पसंद करते हो तो ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा बढ़िया अपडेट होने वाला है। इसके बाद में गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो ये देखो OP46 अपडेट के बाद आप लोग को क्रॉपलैंड मैप में एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। लाइक जब भी आप लोग अपना क्रॉपलैंड मैप बनाते तो फंक्शनल ऑब्जेक्ट में आप लोग को NPC का एक न्यू सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सेटिंग्स में आप लोग को अपने काफी सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिस कैरेक्टर को आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, साथ ही में आप लोग अपने कैरेक्टर को कोई भी आउटफिट यहाँ पे पहना सकते हो, जो भी आप लोग को बटन टॉप या फिर आप लोग को मास्क वगैरह पहनना है। इसके अलावा आप लोग इनके हेड लेफ्ट आर्म राइट आर्म या फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड को आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, एंड आप लोग जितने चाहे इमोट आप लोग यहाँ पे इक्विप कर सकते हो। इन सब चीजों को सेट करने के बाद आप लोग यहाँ के अपने क्रॉपलैंड मैप बनाते टाइम इन सब को यहाँ पे प्लांट कर सकते हो, तो इससे आप लोग का क्रॉपलैंड मैप काफी ज्यादा यूनिक बनेगा। एंड अगर आप लोग वीडियो बनाने के काफी ज्यादा शौकीन हो तो भाई आप लोग इस तरीके से काफी सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे डाल के वीडियो वगैरह शूट कर सकते हो, तो कुछ इस टाइप का अपडेट भी आप लोग को OP46 के बाद हमारे गेम में देखने के लिए मिलेगा क्रॉपलैंड मैप में। आप लोग को ये वाला अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। इसके बाद में गाइस अब मैं आप लोग को बताने लगा ग्लोनोवा स्पेशल इवेंट के बारे में, क्या क्या फ्री के रिवार्ड्स मिलने वाले हैं, पर उससे पहले गाइस तो दोस्तों अब बात करें आप लोग के ग्लोनोवा स्पेशल इवेंट के बारे में, तो सो मैं आप लोग को बता दूं OP46 अपडेट के बाद जैसे आप लोग 4 सितंबर को आने वाले OP46 अपडेट के बाद अपने गेम को अपडेट करके लॉगिन करोगे तो आप लोग को ग्लोनोवा स्पेशल इंटरफेस से काफी सारे फ्री के रिवार्ड्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी रिवार्ड्स एंड फ्री के इवेंट्स के बारे में बात करें तो कैलेंडर के बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का ग्लोनोवा कैलेंडर निकल कर आ चुके हैं, जिसमें न्यू पैच लॉगिन रिवार्ड में ग्रेनेड की स्किन वाउचर लकरोल वाउचर मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट नोवा स्पेशल इंटरफेस है आप लोग का, एक फीमेल का बल, एक आप लोग को लीला वाला हमारा न्यू कैरेक्टर फ्री में दिया जाएगा, आप लोग के यहाँ पे एक जिप की स्किन मिलने वाली, एक फेस पेंट मिलने वाला है, साथ ही मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट गोल्ड पैक इवेंट से मिलेंगे, एक परान की स्किन पैरासूट की स्किन दी जाएगी, तो इतने सब कुछ रिवार्ड्स आप लोग हमारे इंटरफेस पर ग्लोनोवा इवेंट से फ्री में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मे बी गाइस जब तक आप लोग का दिवाली इवेंट स्टार्ट नहीं होगा तब तक चलेगा। बाकी आप लोग को पैच लॉगिन रिवार्ड्स में कुछ मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट लक रोल वाउचर गोल्ड रोल वाउचर मिल सकते हैं, तो कुछ इस टाइप से फ्री के रिवार्ड्स आप लोग को ग्लोनोवा इवेंट से मिलने वाले हैं। बाकी इंटरफेस तो यहाँ पर निकल कर नहीं आया, बट आप लोग को इंटरफेस अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, और आप लोगों को इंटरफेस से फीमेल का बल फ्री में क्लेम करने के लिए दिए जाने वाला है। तो आप लोग के ग्लोनोवा स्पेशल इवेंट से रिलेटेड या कुछ नई अपडेट्स निकल कर आ रही थी मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी गाइस आज के लिए इतना ही, होप करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।